हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, ये है हमारा चैलेंज ब्लॉग का पहला ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं हूँ छत पे। अभी थोड़ी धूप हुई थी तो मैं छत पे कपड़ा वपड़ा खोल के थोड़ा धूप ले रहा था, क्योंकि धूप बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और आज तक बहुत ठंड पड़ रही है, इसीलिए मैं छत पे आ गया था क्योंकि बहुत ही मस्त धूप हुई थी। अभी देखो पूरी शांत हो चुकी है और सोच रहा हूँ कि ब्लॉग आज बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइज। लेकिन हाँ, आज ब्लॉग बनाना है। हाँ गाइज, डेली 30 दिनों तक ब्लॉग बनाना है और रेगुलर अपलोड करना है। अगर ये नहीं करूँगा तो मेरा चैलेंज टूट जाएगा, और इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि गाइज, मैं पहले ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाता था डेली, तो मुझे एक निराशा होती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे अब ब्लॉग डेली अपलोड करना चाहिए, ये सब सोच सोच के दिमाग पर टेंशन बना रहता था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस 2024 में मेरे दिमाग पर कोई टेंशन ना बने, डेली ब्लॉग बनाऊँगा, डेली अपलोड करूँगा, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाऊँगा। तो गाइज़, अभी यहीं पे रहते हैं और फिर जाएंगे बाहर घूमने के लिए थोड़ा, तो चलो अभी देखें नीचे क्या होता है। तो गाइज़, अभी धूप निकल चुकी है और देखो कितना मस्त है। तो चलो, अभी हमारी भांजी अनन्या आई है, हमारी दीदी की लड़की, तो चलो उसको लाते हैं छत पे और थोड़ा उससे भी बातें करते हैं। आप सभी को अपनी भांजी अनन्या से भी मिलाते हैं। तो चलो चलते हैं नीचे और उसको लेके आते हैं छत पे और बैठकर हम दोनों खेलेंगे और आप सभी को भी मिलाएंगे। सो गाइस, ये रही अनन्या, आप सभी को दिखाता हूँ। और ये देखो, अभी खा रही है। क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? ये तिलवा खाओ, अब मुझे भी खिला लो। हाँ आ, आ, निकाल के रही है, बदमाशी कर रही है। अच्छा खिलाओ, अच्छा है, पूरा खिला दो एक बार में, पूरा पूरा। अपने मुंह में डाल, अपने खाओ, अपने खाओ, अपने खाओ अनन्या, अपने खाओ, अपने 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 मुंह में खाओ। ए नहीं, मुझे नहीं, अपने खाओ। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, तुम ही खाओ। क्षमा किया गया, खाओ। किसे दे रही हो? सो गाइस, अभी एक काम आ गया था, दो बड़ी चावल है उसे रखना था। और ये देखो अनन्या आवाज करा रही है। ये सब क्या गिरा रही हो? अरे क्या गिरा रही हो तुम? यहाँ पे ये परेशान कर रही है, सब गिरा रही है। चलो बाहर चलते हैं घूमने। अनन्या चलो, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। रख दो वो, रख दो शीशा, रख दो शीशा, रख दो, उसके बाद चलते हैं। नहीं नहीं, अरे इसे रख दो, इसे रख दो, बाहर इसका क्या काम है, चलो आओ। तो अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं। तो गाइस, अभी कोई दिख नहीं रहा है अनन्या के साथ खेलने वाला, तो चलो अभी देखते हैं कोई मिलेगा तो खेलेंगे, और अनन्या खेलेगी, मैं देखूंगा और आप सभी को भी दिखाऊंगा कि अनन्या क्या क्या करती है। अनन्या हाय बोल दो, जय कर दो, जय। अनन्या जय कर दो, जय कर दो, जय एक बार जय करो। देखो डॉगी देख रही है ना, तो उसको बुला रही है। चलो वो भाग जाएगी, वो भाग जाएगी, वो नहीं आएगी, छोड़ दो उसे। चलो चल, मार दो आँख, मार दो अनन्या, आँख मार दो। कैसे मार रही है आँख? एक बार हंस दो, एक बार हंस दो। अभी इतने लोग आ चुके हैं, लो खिलाओ बुझिएगा, उतार दी। गिरे हम लोग मौत बहुत। तो गाइस, अभी खेलने के लिए सब कोई मिल गया है, तो खेल रही है, तो खेलो। किसे बुला रही हो? एक बार आंख मार दो, आंख मार दो, एक बार आंख मार दो अनन्या। ये डॉगी देखने में बिजी है। तो गाइस, अभी एक बाबू लोग गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जा रही है दौड़ दौड़ के, कभी से आ रही है दौड़ दौड़ के, देखो मिलने जा रही है। चलो देखो दोनों में मिलने में क्या होता है। बोला बाबू कब बुलाएगा?
वो मोबाइल ऊपर पारस को बुला ली। देखो ना बाबू, बाबू को खिलाओ, बाबू को आंख मार दो, आंख मार दो, बाबू को देखकर हंसो, हंसो एक बार अच्छे से हंसो। तो गाइस अभी मैं अनन्या को घर पे छोड़ के आ गया हूँ इधर बाहर की ओर, क्योंकि बहुत ही मस्त धूप हुई है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जानते हो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ, तो ठंडी में तो धूप बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं आया हूँ बाहर की ओर और घर का कैसा दृश्य है गाइस मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा मेरे बड़े पापा का सरसों का खेत, जो देखो कितना मस्त सरसों हुआ है, और गाइस उधर है आलू, और फिर उसके बाद उस सड़क की ओर फिर वहाँ पे है सरसों, जो आप सभी को दिखाता हूँ जूम करके। वहाँ पे फिर सरसों है और बीच में आलू, फिर यहाँ पे आरी पे सरसों, बहुत ही मस्त सरसों हुआ है। तो गाइस मेरे भी खेतों में सरसों की बुआई हुई है, तो मैं आप सभी को अपने खेत चलूँगा तो दिखाऊँगा। तो गाइस अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ब्लॉग बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। ना जाने सौरभ जोशी कैसे कंटेंट ढूंढ ढूंढ के ब्लॉग बना लेते हैं डेली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं, मैं अगले ब्लॉग में कुछ अच्छा करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस आप लोग सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो मेरी मनोबलता बढ़ेगी और मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सबको जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।